आइए दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। फाइनली दोस्तों Vivo V30 ग्लोबल मार्केट में साइलेंटली लॉन्च हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। और Vivo ने यह भी बताया दोस्तों कि 30 प्लस कंट्री में ये फोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, इंक्लूडिंग इंडिया। जो चाइना में Vivo S18 लॉन्च हुआ था उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इस फोन को लॉन्च किया गया है। आगे सब कुछ बात करूंगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दिएगा, चाहे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो आपको 6.78 इंच का 1.5 के रेजुलेशन वाला आपको एक कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ कर्व डिस्प्ले दिया गया सेंटर पंचोल डिजाइन के साथ आता है। 93% से ज़्यादा आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया, अप टू 2800 निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस मिलता है। जी आपने सही सुना, 2800 निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस दिया गया है। सो आउटडोर इंडोर में जो विजिबिलिटी है आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। DCI-P3 100% मिलता है, 10 बिट वाला डिस्प्ले है। सो कलर्स वगैरह भी दोस्तों आपको यहाँ पे काफ़ी जो है वाइब्रेंट देखने को मिलने वाला है। वैसे फ्रंट साइड में कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि स्कॉट सेंसेशन का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। चिपसेट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 देखने को मिलता है और ये 4nm पे आता है। Qualcomm ने दोस्तों इस प्रोसेसर को लास्ट ईयर नवंबर में लॉन्च किया था और इसका जो प्राइम कोर है दोस्तों 2.63 GHz पर क्लॉक किया गया है। Cortex A715 वाला देखने को मिलता है। Adreno का GPU यूज किया गया है 720। अब इसका जो एंटूटू स्कोर है दोस्तों ऑलमोस्ट 8,40,000-8,50,000 के आसपास में आता है। सो परफॉर्मेंस दोस्तों आपको नो डाउट काफी अच्छा देखने को मिलेगा, बट Snapdragon 7 प्लस Gen 2 से परफॉर्मेंस नीचे रहेगा, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देगा। अब जब Qualcomm ने दोस्तों इस प्रोसेसर को अनाउंस किया था तो Snapdragon 7 Gen 1 के साथ कंपेयर किया था और बताया था कि 15% CPU में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और 50% GPU में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो बेसिकली दोस्तों नेमिंग इधर उधर है, बट Snapdragon 7 Gen 1 से बेहतर परफॉर्मेंस देगा और Snapdragon 7 Plus Gen 2 से थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल दोस्तों ये जो प्रोसेसर है काफी अच्छा है, आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे फोन में ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा। स्टोरेज रैम सपोर्ट के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे Vivo S18 जब चाइना में लॉन्च हुआ था तो LPDDR5 रैम को सपोर्ट दिया गया था और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का आपको सपोर्ट मिलता है। तो हो सकता है दोस्तों कि जब ये फोन इंडिया में लॉन्च हो तो सेम स्टोरेज और रैम सपोर्ट का आपको सपोर्ट देखने को मिले, बट इसके बारे में 100% कंफर्म नहीं बता सकता हूं। कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रियर में आपको डुअल रियर कैमरा दिया गया, प्राइमरी आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, OIS का सपोर्ट दिया गया है और जो सेकेंडरी सेंसर है दोस्तों आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना है, चाइना में दोस्तों 8 मेगापिक्सल का दोस्तों अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया था, बट जो ग्लोबल में लॉन्च हुआ है 50 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है। और फ्रंट में दोस्तों पंचोल में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, ओमनी विजन सेंसर यूज किया गया है। बाकी दोस्तों आप रियर और फ्रंट दोनों से यह 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, स्लो मोशन, नाइट मोड, पोर्ट्रेट, जो भी दोस्तों जो कॉमन फीचर्स होता है वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको 5000mAh का एक बड़ा बैटरी दिया गया है, 80W फास्टिंग सपोर्ट के साथ आता है और होपफुली आपको बॉक्स में चार्जर मिल जाएगा। अगर आप इस चार्जर से चार्ज करेंगे दोस्तों तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 35 मिनट में आपके फ़ोन को फुल चार्ज कर देगा। सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है और इनका फंटा जो 14 चलता है। वैसे दोस्तों Vivo ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि आपको 50 मंथ का OS अपडेट मिलने वाला है। इसका मतलब दोस्तों 4 साल का आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाला है और हो सकता है कि 5 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। सो एंड्रॉइड 15, 16, 17, 18 तक होपफुली आप अपडेट कर पाएंगे। और Vivo के फोन्स में दोस्तों पहले से ही आपको कुछ ब्लॉटवेयर वगैरह भी देखने को मिलता है जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, ये सारी चीज़ें मिलेगा जिसको आप डिजेबल कर सकते हैं। डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एजी ग्लास बॉडी आपको देखने को मिलेगा, प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है, 7.5mm की थिकनेस पे आता है, 186 ग्राम का ये फ़ोन। मल्टीपल कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, डुअल नैनो सिम कार्ड का सपोर्ट मिलता है, दोनों में 5G सिम लगा पाएंगे, मल्टीपल 5G बैंड का सपोर्ट मिल जाएगा, डुअल स्पीकर के साथ आता है, जी हाँ स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। अगर IP रेटिंग की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे आपको IP54 का रेटिंग देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो Vivo V30 में दोस्तों आपको ये सारा स्पेक्स देखने को मिलता है। Vivo ने अभी प्राइस ऑफिशियल नहीं किया है जब तक ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर प्राइस आ गया होगा तो मैं आपको स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा। इंडिया प्राइस की अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 32,000-33,000 के आसपास में आना चाहिए। मल्टीपल वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, 8GB 128GB 8GB 256GB 12GB 256GB और एक और है दोस्तों 12GB 512GB वेरिएंट।
अगर लॉन्च डेट की बात करो तो इंडिया के BIS में Vivo V30 एंड Vivo V30 Pro ये दो फोन जो है लिस्ट हो चुका है रिसेंटली। सो मुझे लगता है कि इसी महीने इंडिया में देखने को मिलेगा, मे बी 20 तारीख के बाद हो सकता है कि इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, या क्या पता हो सकता है दोस्तों कि 20 के पहले भी इंडिया में लॉन्च हो जाए। बाकी दोस्तों आपको ये फोन कैसा लगा, इसके स्पेक्स कैसा लगा, डिजाइन कैसा आपको लगा, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।